नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत करते हैं शेयर बाजार। तो दोस्तों, फिर एक बार एक शेयर को उठा के लाया हूँ जिसका नाम है ट्रेंड, TREND। मेरे को ये अभी तक नहीं पता कि ये ट्रेंड शेयर क्या करता है। मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि ये ट्रेंड शेयर क्या करता है। मैंने आगे ही बताया ना, मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानता। मैं गूगल कर लूँगा, मेरे को पता चल जाए। मैं चार्ट को देखता हूँ, मैं टेक्निकली देखता हूँ कि वो शेयर स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बस दैट्स इट, मेरा काम हो जाता है वहीं। तो चलिए, मैं आपको भी ट्रेंड को मंथली से एनालाइज करने से पहले थोड़ा गूगल कर देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि ट्रेंड करता क्या है। TREND, ट्रेंड। चलिए, ये रहा ट्रेंड का शेयर। अब मैं ओपन किया, मैं यहाँ पर अब ट्रेंड का शेयर को फटाफट देखूंगा। 5 ईयर में इसका रिटर्न क्या है। ये ट्रेंड का शेयर 360 से यहाँ पर चला गया 1300, मतलब मिनिमम आपको 5 में 297% रिटर्न दिया है। इसका मतलब पैसा आपको 5 साल में डबल ट्रिपल हुआ है। क्या 5 साल में 400-300 का शेयर 1300 हुआ है, मतलब डबल ट्रिपल हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। डबल मतलब तो एटलीस्ट 50%, बट ये 100% से भी ज़्यादा हुआ है। ये 200-300% हुआ है। और इसका तो जैसा कि देखिए, मंथली में ये अपने आप को बुलिशन दिखा रहा है, मतलब बुलिस है। और ये जब जब 20 डे है, ये देखिए, ये है RSI और ये है बॉलिंजर बैंड के मिडिल वाले बैंड में। जब जब ये सपोर्ट लिया, वहाँ कभी हैमर बनाया तो मार्केट उठ गया, वहाँ कभी बुलिस एंगल फिर बनाया वहाँ से मार्केट उठ गया, कभी वहाँ फिर बुलिस एंगल फिर बनाया फिर उठ गया, और फिर बुलिस हरामी कैंडल बनाया फिर उठ रहा है। तो ये देखिए बुलिस हरामी कैंडल, और इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, इसके हाई को ब्रेक कर रहा है और ये उठ रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है, यहाँ से ही आपको स्टॉप लॉस भी बहुत मिनिमम लेकर चलना है। मिनिमम से मिनिमम 1393 का है, 1290 का स्टॉप लॉस, आप लोग मिनिमम 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले चलेंगे, आपको टारगेट बहुत ही बड़ा आगे मिलने वाला। तो हम लोग फटाफट वीकली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वीकली में क्या देखने को मिल रहा है कि RSI ने यहाँ पर बोलिंजर बैंड के ऊपर और मिडिल बैंड के बीच में सपोर्ट लेकर वहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। तो ये आज के लिए भी ये शेयर बहुत ही अच्छा, ये गैप अप खुलेगा और इसमें बुलिश मूवमेंट होगा। ये वीडियो आप लोग यदि प्रीव्यूज देख रहे हैं पीछे तो जाकर देखिएगा। होने से पहले मैं ये बता दूँ कि गैप अप खुलेगा और इसमें बुलिश मोमेंटम रहेगा, और इसका जो टारगेट कहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी ये दिखा रहा है कि ये स्क्वीज को टच कर रही है विद वॉल्यूम के साथ। RSI 60 के ऊपर आया है, कितने दिनों बाद आया, फटाफट देखेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मिनिमम 2 महीने बाद ये RSI 60 के ऊपर आया। एक चीज़ देखने वाली ये है कि जब मार्केट इस रेंज में थी तो RSI कभी गिरी नहीं, ऊपर की तरफ ही मूव करी। इसका मतलब सेलर में वो ताकत नहीं है जो दबा के सेल करे। सेलिंग तो हो चुका, खत्म हो चुका, यहाँ पर सेलिंग खत्म हो चुका। अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट से पहले ये ट्रेड दे रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेड दे रहा हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट से पहले, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। वहाँ पर मैंने 1293 का स्टॉप लॉस दिया था, यहाँ पर बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस दे देता हूँ। 1293 यानी कि 1290 का बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस है, क्योंकि 1290 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी को मार्केट एक बार गैप अप ओपन की और इसके ऊपर कामकाज कर रही है अभी तक। उसी के ऊपर सपोर्ट ली फिर उसको ब्रेक करने चली, और वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम भी आपके साथ है, प्राइस भी आपके साथ है, पैटर्न भी आपके साथ है, मोमेंटम भी है ट्रेड में। RSI भी बता रही है, बोलिंजर बैंड भी बता रही है, मंथली बता रही है, वीकली बता रही है, सब तरफ से पॉजिटिव साइन आपके हाथों में आ रहा है क्रिएट। तो आपको अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है अपने कैपिटल के अनुसार। तो चलिए, टारगेट मैं आपको दे दूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर टारगेट क्या है। तो टारगेट ये रहा आपके सामने, पहला टारगेट ये रहा 1478 रुपये का। तो आप लोग मिनिमम 1440 पर आते हैं, आप लोग स्टॉप लॉस स्टील कर 1478 के लिए जा सकते हैं। और सबसे गुड न्यूज़ तो ये है कि ये मंथली में कप पैटर्न को ब्रेकआउट करने चली, ये देखिए। और कप पैटर्न ब्रेकआउट करी थी, उसका टारगेट बहुत ही बड़ा होता है। ये जितना इसका डेथ है, डेथ गहराई 1200 से 1600 मैंने 400 और ऊपर देखिए, 2000 भी हो सकता है इसको ब्रेक करने पर 1600 को, या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है। कप पैटर्न की गहराई बहुत होती है। ये देखिए मंथली में दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ कैंडल बनी, ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर जा रही, मतलब बुलों का कब्जा है इस शेयर में, बुलों का कब्जा है। स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट मिल गया,
अब हम लोग इसको वीकली में देख चुके हैं, अब हम लोग इसको डेली में देखेंगे, डेली में भी देख लिए तो ये अब आप लोग इसमें बाइक कर सकते हैं। ये देखिए इसको ब्रेकआउट करके इसमें रीटेस्ट की, इसमें टाइम पास की, अनवाइंडिंग बिल्ड हुआ और ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आपको टारगेट मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया, आप लोग इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं अपने कैपिटल के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।